4 तारीख ऑनवर्ड्स आपका फ्री रजिस्ट्रेशन होगा ईहा के लिए। आपको बिना केवाईसी करे भी आप विज्ञापन की दुनिया में आ सकते हैं, और उसके आपको जो पता है कि कितना कितना रिटर्न्स है, उसमें आपको जो 1,000 मिलने थे सालाना, उसकी जगह 350 मिलने वाले हैं। आप अगर रेफर करेंगे तो जहाँ पहले रेफरल भी हमारा 1,000 का था, उसकी जगह आपको 250 मिलने वाले हैं। वो कार्यक्रम 4 जून से शुरू होगा। दूसरा जो कंफर्म न्यूज है वो ये है कि 28 ऑफ दिस मंथ, 28th of May, यहाँ से आपका वो रैपिड जो हमारा पेमेंट गेटवे है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ से आप अपना 30 यूरो से एक्टिवेट कराना चाहेंगे उसी के माध्यम से करेंगे, या आपके अकाउंट में अगर 100 यूरो से ज्यादा अगर बना हुआ है उसको बैंक अकाउंट में लेना है वो भी उसी माध्यम से लेंगे, विड्रॉल आप करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, दो तीन चीजें तो कंफर्म थी, बाकी चीजों का जो है वो अभी जब तक कंफर्म कोई न्यूज नहीं आ जाती, अरुण सर ने भी आज कोई कंफर्म जवाब नहीं दिए हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो थे वो कल मेन स्ट्रीम चैनल में फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन के तौर पे पेश किए जाएंगे, और उसी में आपको जवाब भी मिलेंगे, उसी में आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो ये था सेशन। ओवर टू यू धनंजय जी। थैंक यू सो मच आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि उसके माध्यम से ये चीज़ें बताई गई थी कि कुछ चीज़ें अभी भी कंपनी से क्लेरिफिकेशन होना बाकी है। तो मैं, आप इतने दिन सब्र कर चुके हैं, बस एक दिन का और सब्र कर लीजिए, जिसके माध्यम से एक बार हमें कंपनी से जो चीज़ें हैं वो क्लेरिफाई हो जाए, तो हम आपको सारी चीज़ें डिटेल में आने वाले कल या परसों तक, मैक्सिमम परसों तक, हम आपको सारी चीज़ें इन डेप्थ में बताएंगे। आपके हर एक सवाल के जवाब हमारे पास होंगे। हम नहीं चाहते हम आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दें, इसके लिए आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ थोड़ा सा सब्र रखिए। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन कहीं ग्रुप्स में, कहीं लोगों तक या कहीं डाउनलाइंस तक मत पहुंचाइए। ये बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाने से वापस कहीं ना कहीं नेगेटिव आने के चांसेस होते हैं। तो सिर्फ मैं रिक्वेस्ट करूंगा सतीश हाटी जी को, सतीश जी प्लीज़ एक बार जो न्यूज़ लेटर है उसको एक बार आप पढ़कर प्लस एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, ताकि जितने भी लोगों ने इसके पहले जो सुना नहीं है वो उनको सुन सके। ठीक है, तो जितने भी जी नए बिल्कुल लोग हैं जी, जिन्होंने न्यूज़ लेटर को अब तक देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, तो ये लोगों के लिए हमारे सतीश आटे जी आज वापस एक बार न्यूज़ लेटर को पढ़ेंगे और आपको एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिए, और इसकी जो भी उसके ऊपर जो भी सवाल होंगे आपके, वो सब लिख के रखिए। हम आपके जो भी सवाल है वो आने वाले 2 दिन में, जैसे ही हमारे पास कंपनी से उसके सारे डिटेल्स आ जाएंगे, हम उनको कवर करेंगे। सो ओवर टू यू सतीश जी। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा चंदन जी का एज़ वेल एज़ आलोक सर का, जो आज हमारे इस 9:30 वाले सेशन के अंदर आए और अपना कीमती समय यहाँ पर दिया और लोगों को तो ये एग्जैक्टली जो न्यूज़ लेटर में जो आया है उसको हम थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे ये न्यूज़ के अंदर किया है कि पहले हमको जो रिक्वायरमेंट है वो है 1.5 मिलियन की, मतलब 15 जो एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए जो चाहिए, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो हमारा टारगेट है, इसको तो हमको किसी भी हालत में पार करना है। ओके, तो इसकी शुरुआत जैसे सर ने बताया था कि 1 करोड़ कस्टमर्स की ज़रूरत थी, क्योंकि ये प्रोग्राम को स्टार्ट करना है एडवर्टाइजमेंट्स का, तो सिंस वो नेगोशिएट होने के बाद में वो 50 लाख तक आ गया था, और उसके बाद में फिर और फर्दर नेगोशिएशन करने के बाद में वो और 30 लाख तक आ गया था, मतलब 3 मिलियन वेरीफाइड यूज़र्स इन जा लाइफ स्टाइल। ओके, और उसके बाद में कंपनी ने इससे पहले भी न्यूज़ लेटर में मेंशन किया था कि हम लोग एक एडवर्टाइजिंग पार्टनर को इंट्रोड्यूस करेंगे और वहाँ पर हमको सेटअप करना होगा। तो ये मार्केट में जो न्यूज़ चल रही थी कि हमको पहले क्यों नहीं बताया गया, तो अगर हमको पहले पता गया होता तो हम लोग उसका भी रजिस्ट्रेशन कर देते थे। तो एक्चुअली गलती वैसे देखा जाएगा तो किसी भी एंगल में कंपनी की है ही नहीं, गलती केवल और केवल हम लोगों की है, क्योंकि हम लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन जो वेबसाइट के ऊपर दी है उसको हम लोग ध्यान से पढ़ ही नहीं रहे हैं। इनफैक्ट अगर कोई भी व्यक्ति ये हमारी वेबसाइट को ईच एंड एवरी पेज अगर उसको ध्यान से पढ़े, भले आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, उसको अगर ट्रांसलेशन करके भी अगर उसको हम पढ़ें, तो ईच एंड एवरी थिंग इज़ मेंशनड इन दी वेबसाइट। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम इज़ किंतु परंतु हमारी जो हैबिट है लोगों की, भाई अपना काम हम खुद नहीं करते,
हमको किसी और से परोसा जाना चाहिए होता है, हमको किसी और ने इन्फॉर्मेशन दिया जाना चाहता है, तभी हमारे दिमाग के अंदर कुछ घुस जाता है। हमारी अपनी एजुकेशन लेवल जो है वो हम लोग अपग्रेड करना नहीं चाहते। बहरहाल हम लोग कंपनी ने ये भी बताया था कि वी आर वेरी क्लोज टू दिस नंबर्स अ फ्यू वीक्स अगो। जैसे इन्होंने शुरुआत किया था तो जो प्री रजिस्ट्रेशन था ईहा के अंदर वो तो बहुत ही अच्छा धमाकेदार शुरुआत हो गया था। पहले 3 दिन में 2 लाख क्रॉस कर दिए थे, लेकिन फिर बाद में फिर लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। जैसे सर ये यहाँ पर बता रहे हैं कि दिस हैज़ कॉस्ट कन्फ्यूजन फ्रस्ट्रेशन नॉट ओनली फॉर अस बट फॉर द कंपनी ऑल्सो एज वेल एज द मेम्बर्स ऑल्सो। मतलब लोगों में ही कन्फ्यूजन है कि ये क्यों आ गया भाई, क्यों फिर से हमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। मतलब हमको ये भी समझने के लिए हम लोग तैयार नहीं कि ये जो बिजनेस है ये हम नौकरी नहीं है किसी की, हम लोग यहाँ पर किसी का नौकर नहीं है, बट वी आर ऑल बिजनेसमैन। ये जब तक हम लोग नहीं समझेंगे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते माय डियर फ्रेंड्स। तो लगातार पिछले 1 महीने से जब से ये न्यूज़ लेटर आया था 26 अप्रैल को फेज़ 2 का हम लोग जो लॉन्च करने, तब से लगातार सारे के सारे जूम मीटिंग्स के अंदर, फिर वो 1 बजे वाली मीटिंग हो, 5 बजे वाली मीटिंग हो, 8 बजे वाली हो, 9:30 बजे वाली मीटिंग हो, हर मीटिंग में हम लोग लगातार ईहा का एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी लोग हमेशा वो शक की नज़र से उसको देख रहे थे। अभी ये इन्फॉर्मेशन एडमिन टीम के माध्यम से, टैग टीम मेंबर्स के माध्यम से कंपनी तक, अरुण सर के माध्यम से ये कंपनी तक मैसेज पहुंच गया कि ये फ्रस्ट्रेशन है और ये लोगों की कन्फ्यूजन है, तो उसको कैसे शॉर्ट आउट किया जाए। तो यहाँ पर ईहा और जा लाइफस्टाइल, इन दोनों के बीच में बहुत ही लंबे समय तक, मतलब पिछले 1 हफ्ते तक उनके सॉल्यूशंस चलते रहे, उनकी चर्चाएं चलती रही, मीटिंग्स पे मीटिंग चलती रही। इनफैक्ट मंडे को वहां पर हॉलिडे होने के बावजूद भी उनके मैनेजमेंट टीम इकट्ठा आके उनके चर्चा होती गई, और फाइनली जा लाइफस्टाइल और ईहा इन दोनों ने आपस में अपनी लीगल टीम्स को इकट्ठा करके एक नए सॉल्यूशन का उन्होंने जन्म कर दिया। अब हम लोग जिन लोगों, अब हकीकत बात यह है कि हम लोग इससे पहले बहुत सारे कंपनीज़ में लोग ज्वाइन करते हैं और लोग अपने KYC के डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये हम लोग धड़ल्ले से ऐसे किसी को भी दे देते थे कि चलो सीनियर के पास दे दिया, सीनियर ने अपना ID लगा दिया और हम लोग किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि जिन लोगों के पास ऐसे डॉक्यूमेंट थे उन लोगों ने अपने लोगों की IDs लगाना शुरू कर दी, उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, और कुछ लोगों ने तो अपने जेब से भी पैसे डाल दिए बिना अपने डाउनलाइन को इन्फॉर्म किए, बिना उसको बताया कि भाई मैं तुम्हारा यहाँ पर जा लाइफस्टाइल के अंदर ID रजिस्टर कर रहा हूँ और तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे ऑलरेडी और मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ, और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि भाई हमने आपके 1109 रुपये भी पे कर दिए हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि 1109 रुपये के अगेंस्ट में हमको महीने का उस बंदे के पीछे 7000 रुपये मिलता रहेगा, मंथली हमको मिलता रहेगा। तो इट वॉज़ अ वेरी बिग डील, 1100 के अगेंस्ट में हमको 1000 यूरोज़ मिलने का चांसेस था, तो लोगों ने वो गैम्बल कर दिया और लोगों ने KYC का पैसा भी लीडर्स लोगों, सो कॉल्ड लीडर्स, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर कोई उसके अंदर, मतलब आप गलत मत समझे, क्योंकि सो कॉल्ड लीडर्स मैं बोलता हूँ कि जो लोग आज इस सिस्टम के अंदर नहीं है, जिन्होंने अपना PV कर दिया है, जिन्होंने अपनी टीम बनाई है, वो लोग आज इस सिस्टम में नहीं है, और उन्होंने ये भी बॉदर नहीं किया कि जिनका भी इन्होंने ID रजिस्टर किया है उनको अपना यूज़र ID और पासवर्ड देने की भी उन्होंने जहमत नहीं की। दूसरी चीज, जिनके भी IDs रजिस्टर हुए हैं या जिन्होंने भी अपने डॉक्यूमेंट दिए थे उनके अप्लायंस को, उनको भी इन्हें ऐसा नहीं लगा कि मैं कहाँ, मेरा ID कहाँ पर रजिस्टर हो रहा है भैया, उसके मेरे को यूज़र ID और पासवर्ड भी दे दो। अगर ये उस वक्त किया होता तो आज हम लोग एक बहुत ही अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर होते, हो सकता है हमारा ऑलरेडी ईहा का प्रोग्राम जो पायलट प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी हमारा शुरू हो चुका होता। बट नेवरदलेस लोगों को आज भी हम लोग एजुकेट कर रहे हैं, जैसे जैसे लोगों के मैसेजेस आते हैं, जैसे जैसे लोगों पे फ़ोन कॉल से बातचीत होती है, तो हम पहला सवाल ये करते हैं, आर यू रजिस्टर्ड विद ईहा? तो सामने से जवाब मिलता है वो क्या है, तो दिस इज़ पैथेटिक कि हम लोग इतना इग्नोरेंट क्यों हैं, हम लोग इसको इतना लाइटली क्यों ले रहे हैं। इसीलिए कंपनी ने उसके ऊपर सॉल्यूशन निकाला कि ईहा को हम लोग फ्री ऑफ चार्ज रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कंपनी को समय चाहिए, बिकॉज ये पूरा सॉफ्टवेयर को उनको रीडेवलप करना पड़ेगा, रीवैम्प करना पड़ेगा, क्योंकि ईहा का डेटा और जा लाइफस्टाइल का डेटा दोनों को सिंक्रोनाइज करना होता है। ओके,
तो ये ईहा का रजिस्ट्रेशन जो फ्री में होने जा रहा है ये शुरू होगा 4th of June को। यहाँ पर इन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है, ईहा विल नो लॉन्गर रिक्वायर पर्सनल वेरिफिकेशन टू बी डन इन ऑर्डर टू एबल टू मेक अ मनी फ्रॉम व्यूइंग एडवर्टाइजमेंट। शुरू करने के लिए पर्सनल वेरिफिकेशन करना कंपलसरी नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एडवर्टाइजिंग पैकेजेस जो सेल के ऊपर अभी थे वो उस दिन से कम्प्लीटली स्टॉप किए जाएंगे। मतलब ये कि आप ईहा के अंदर रजिस्टर करके आप एडवर्टाइजिंग कैटेगरीज को आपको सिलेक्ट करना है। ईहा का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के अनुसार कंपनी किसी भी प्रकार से स्पैमिंग नहीं कर सकती। हमारे इंडिया में तो चल जाता है कि चलो कोई भी SMS भेज दो धड़ाल धड़ल्ले से, या किसी को भी ग्रुप में ऐड कर दो विदाउट हिज परमिशन और उसको दनादन मैसेजेस दनादन व्हाट्सएप पे मैसेजेस उसको भेजते जाओ, फोटोग्राफ भेजो वीडियोस भेजो विदाउट हिज परमिशन। कुछ साल पहले हम लोगों ने एक SMS एक्टिवेट करने का चार्जेस लगता था, DND पैकेजेस, अब सभी लोगों को याद होगा कि अनवांटेड कॉल्स को हमको अवॉइड करना है, तो लोग उसके लिए अप्लाई करते थे ट्राई के पास कि अनवांटेड कॉल्स नहीं जानी चाहिए, अनवांटेड SMS नहीं जाने चाहिए। फॉरेन कंट्रीज़ में तो लोग आप बिना अपॉइंटमेंट के मिल भी नहीं सकते हैं। अगर आपको पेरेंट्स को भी मिलना होगा तो भी आपको अपने पेरेंट्स से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है कि आई वुड लाइक टू मीट यू ऑन सो एंड सो डेट, और जब वो अप्रूवल देंगे तब जाके आप उनसे मिल सकते हैं। स्कूल्स में बोलिए कॉलेजेस में बोलिए विदाउट अपॉइंटमेंट वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, दे आर वेरी वेरी पंक्चुअल। और हमारी कंपनी वो इंटरनेशनल लॉ को 100% फॉलो करती है। कल को चलो इंडिया से कोई कंप्लेंट नहीं करेगा, लेकिन बाकी अदर कंट्रीज से भी अगर किसी ने कंप्लेंट करी इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर कि भाई दिस कंपनी इज स्पैमिंग विद सो मेनी एडवर्टाइजमेंट्स ऑन माय मोबाइल फोन, तो इट विल बी अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द कंपनी। सो माय डियर फ्रेंड्स, वो कंपनी अपना सब कुछ सिक्योरिटी सिस्टम्स को मद्देनजर रखते हुए, इंटरनेशनल लॉज को मद्देनजर रखते हुए हमको वो कैटेगरीज को सिलेक्ट करना अनिवार्य है। दैट मीन्स आप ईहा के अंदर अपना जा लाइफ स्टाइल का यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल के आपको केवल वहाँ पर रजिस्टर करना है, एंड दैट विल बी फ्री ऑफ चार्ज ओनली ऑन 4th of June ऑनवर्ड्स। अब जो लोग उस फ्री वाले सेशन के अंदर ज्वाइन करेंगे उन लोगों के लिए, जैसे बताया जाता है कि उनको PV करना ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ पर जो लोग साइन अप करेंगे उनको एडवर्टाइजिंग इनकम के माध्यम से उनको एनुअली 350 यूरो मिलेंगे पर ईयर। जैसे हमको 1000 यूरोज़ मिलते हैं वैसे उनको 350 यूरोज़ मिलेंगे। और जो अनवेरीफाइड मेंबर किसी और व्यक्ति को अनवेरीफाइड मेंबर्स को इंट्रोड्यूस किया है तो उसके ऊपर भी उनको 250 यूरो मिलेंगे। दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि जो भी वेरीफाइड मेंबर्स हैं अब तक, जो हम लोग 29 लाख मेंबर्स हैं जिन्होंने भी अपना वेरिफिकेशन किया है, और उनके नीचे जो भी टीम बनी है वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। उनको एज यूजुअल 1000 यूरोज़ मिलेंगे पर उनका खुद का 1000 यूरोज़ मिलेगा, प्लस उन्होंने जिनको भी रेफ़र किया है उनके ऊपर उनको 1000 यूरोज़ मिलेगा। और जिन्होंने 300 यूरोज़ का जो एडवर्टाइजिंग पैकेजेस खरीदे होंगे उनको 1500 यूरोज़ एक साल तक मिलेगा। ये कंपनी ने एज इट इज़ जैसा है वैसा ही रखा है। अब एक ऐसी सिचुएशन भी है कि कुछ लोगों ने केवल रजिस्टर करके रखा है वेरीफाइड अपलाइन के नीचे बट उन्होंने अपना वेरिफिकेशन नहीं किया। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 10 लोगों ने साइन अप किया है उसमें से 5 लोगों ने वेरीफाई किया, 5 लोगों ने वेरीफाइड नहीं किया, तो ऐसे मेंबर्स भी जब अपना सेटअप करते हैं ईहा के अंदर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनके ऊपर द वेरीफाइड